से रूपा जी बात की जाए अगर खाद्य तेलों में सोयाबीन की, तो सोयाबीन का दिसंबर वाद देख रहे हैं कि आज भी 5,960 पर कारोबार कर रहा है और 5,988 का हाई लगा चुका, आधे फीसदी की तेजी है। रूपा जी, हमने सोयाबीन में 6,000 के ऊपर के हाई लगते हुए देख लिए हैं, अब ऐसे में आपको क्या लगता है? एक तरफ किसान सोयाबीन होल्ड करके चल रहे हैं, सरकार खाद्य तेलों के स्टॉक को लेकर काफी ज्यादा सतर्क है और सख्ती भी दिखा रही है। सरकार ने खाद्य तेलों के पर स्टॉक लिमिट भी लगा रखी है और किसी का स्टॉक ज्यादा होता है तो उस पर कार्रवाई भी की जा रही है। रूपा जी, एक तरफ तो किसानों में और व्यापारियों में डर का माहौल भी है कि अगर वो इसमें कुछ दाव लगाते हैं, कहीं सरकार कुछ नया फैसला ना ले ले जिससे कि उनकी जो लागत है वो ना निकल पाए, और दूसरा सरकार सोया खली का आयात भी कर रही है। ऐसे में आपको क्या लगता है, सोयाबीन का बाजार आगे जाके कहाँ तक जा सकता है? मंदी की ओर रहेगा या तेजी की ओर? और क्या सरकार सोयाबीन पर कुछ और नए फैसले ले सकती है? भी बहुत ज्यादा कोई सरकार की तरफ से हस्तक्षेप आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हाँ, अगर कीमतें यहाँ से ऊपर जाती हैं तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ खबरें निकल कर आ सकती हैं ऐसी। और अभी जो लेवल बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, देखिए हमने पहले भी बताया था कि 5,800 से लेकर 6,200 तक ऊपर एक बार सस्टेन हो सकता है मार्केट। अभी 6,000 के ऊपर आज निकल चुका है सोयाबीन, और दिसंबर वायदा अभी 6,000 के नीचे है, तो मुझे लगता है कि दिसंबर वायदा 6,200 तक एक बार टच हो सकता है। अगर उसके ऊपर रुकता है और फिर से खरीदारी देखने को मिलती है तो फिर आप मान के चलिए 6,800 से 7,000 का स्तर भी सोयाबीन के अंदर आता हुआ दिखाई दे सकता है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि इस लेवल के ऊपर मार्केट में बिकवाल नहीं है फिजिकल में, और खरीदारी इन लेवल्स के ऊपर अब आती हुई दिखाई दे रही है, जो कि कीमतों को वापिस से ऊपर ले जा सकती है, और उम्मीद की जा रही है कि कीमतें एक बार 6,200 के आसपास सस्टेन कर सकती हैं। सोयाबीन का जो वायदा बाजार है वो तेजी की ओर ही जाता हुआ नजर आ सकता है, और वायदा बाजार के साथ साथ जो सोयाबीन हाजिर मंडियों में भी तेजी की ओर जाती हुई नजर आ सकती है। रूपा जी के अनुसार सोयाबीन अगर 7,000 तक जाती नजर आ सकती है।